गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक, केवल इतना याद रख लो, मनोदैहिक केवल एक ही की आता है, किसमें? ऑलपोर्ट की। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑलपोर्ट ने, ट्रेड थ्योरी दी थी, कैटल ने भी दी थी, याद रखना, आइजेंक ने भी दी थी, और बुडवर्थ ने भी इसके ऊपर काम किया है। आंसर हो जाएगा सी, मॉर्गर और मुरे ने क्या दिया है बताओ, TAT। और TAT को इंडिया में कौन लेके आया था? उमा चौधरी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व तो कैसा होता है? ये सभी होता है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने एक बताया था कार्डिनल और एक बताया था सेंट्रल। कार्डिनल में आता है गांधीवाद, ठीक है, और हिटलरवाद, और सेंट्रल में क्या आता है, जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर कुछ आपकी ट्रेड्स लिखी होती हैं, 4-5, वो एक होती है सेकेंडरी ट्रेड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको क्या पसंद है, किस तरीके की हेयर स्टाइल पसंद है, ये सब आता है, ठीक। तो दो प्रकार का व्यक्तित्व तो बताया था, एक तो बताया था सेंट, एक तो बताया थी मेन ट्रेड और एक बताई थी अदर से, ठीक है। दो तरीके की ट्रेड्स थी इनकी। आंसर हो जाएगा डी। वैसे इन्होंने शुरुआत में पता है 17,000 कुछ बताई थी, 17,000 में डिवाइड किया था, उसी में से 16 PF किसने निकाले थे? कैटल ने। कैटल ने सोर्स ट्रेड, सरफेस ट्रेड दिए, फ्लूड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस दिए। फ्लूड कैसे मिलती है हमें? जन्मजात मिलती है। क्रिस्टल हम अर्जित करते हैं, और ये फ्लोड वाली ना कम होती जाती है धीमे धीमे, और अर्जित वाली तो बढ़ती जाएगी, ऐसे याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व भिन्नता किसके कारण होती है? तो ये वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होती है। और ये बात किसने बताया? हम लोग गुणनफल हैं इन दोनों का, ये बताया हमें बुडवर्थ ने, ठीक है, ये याद रखना। और बुडवर्थ ने क्या दिया है बताओ? प्रश्नावली विधि दी है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है बताओ? हमें पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं इसे, ठीक है। और इसे कैसे लिखित तो होता है, एक होती है प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की, वो मौखिक होती है, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो देखो, निर्देशन कभी भी कारण नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी, सीधे याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास में डैस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अभिरुचि अभिवृत्ति उपलब्धि का लिंग कौन सी भिन्नताओं के क्षेत्र से है? तो देखो क्या है, अभिरुचि है आपकी, तो व्यक्ति की क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, कैसी व्यक्तिगत भिन्नताएं, सबकी अभिरुचि अलग होती है, अभिवृत्ति उपलब्धि लिंग सबका अलग अलग होता है ना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वैचारिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? आप क्यों अलग हो किसी से? क्योंकि आप वातावरण और आनुवंशिकता की जटिल क्रियाओं के कारण। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गैरीसन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का पहलू नहीं है? पहली बात तो याद रखना, गैरीसन ने कितने पहलू बताए थे? 4 पहलू बताए थे। कितने बताए थे? 4, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से बताए हैं 4 पहलुओं में? एक तो इन्होंने क्रियात्मक बताया है। क्या बताया? क्रियात्मक, एक सेकेंड, हाँ, तो इन्होंने 4 बताए, क्रियात्मक बताया इन्होंने, एक सामाजिक बताया, एक कारण संबंधी बताया, और एक बताया अन्य पहलू, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा नहीं बताया? ये नहीं बताया, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, दो बालक कभी भी सेम नहीं होते। ये बात किसने कही है? ये बात कही है हरलॉक ने। किसने कही है? हरलॉक ने। ये भी लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब आंसर है इसका, आंसर बता दिया बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किन बातों को ध्यान बल नहीं देना चाहिए? किस पर बल नहीं दोगे प्राथमिक स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर पर किस पर बल नहीं दोगे? आप नहीं दोगे व्याकरण पर। किस पर? व्याकरण पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे कहे फर्स्ट फोर्स कौन सा है साइकोलॉजी के अंदर, फर्स्ट फोर्स कौन सा है, ये पूछ ले डायरेक्ट, तो बताना बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद पहला फोर्स है। और दूसरा फोर्स पूछ ले तो बताना मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। और तीसरा फोर्स पूछ ले तो बताना मानवतावाद। ये 3 फोर्स हैं, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। आंसर है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का माप करता है, तो ये क्या है, कौन सा अधिगम? तो उसने क्या कर दिया, अधिगम का स्थानांतरण, पहले जो सीखा ना उसी को यूज कर लिया। संबंधवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये सब किसने दिया था, या CABD सिद्धांत, ये सब आपके थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये स्किनर का दिया हुआ है। इन्होंने रिक्त प्रणाली उपागम भी दिया है, और यही कौन है, मौलिक व्यवहारवादी हैं, ठीक है, रेडिकल बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं। 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत लाए थे, किस पर, कबूतर और चूहों पर, ठीक है। और 1960 में इन्होंने क्या दिया था, प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी याद रखना। और इनकी ये किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बर्बल बिहेवियर, ये भी है इनकी ये किताब। शास्त्रीय अनुकूलन, ये तो 1904 में पाब्लोव को नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपको याद होगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पैरोटिलियन उद्दीपक सामान्यकरण, सीखना कैसा होता है,
ये होता है अस्थाई, ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित था, और क्रिया प्रसूत किस पर था, ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित, और इसे क्या कहते हैं, आर एस सिद्धांत कहते हैं या आर टाइप सिद्धांत कहते हैं, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, तो स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान परिस्थिति का दूसरी में, देखो मैंने पता कैसे याद किया, इस वाली में दो स्थानांतरण आते हैं, एक स्थानांतरण एक स्थानांतरण, स्थानांतरण में शुरुआत सा से होती है तो सोरेनसन, इस तरीके से मैंने थोड़ा याद रखा है, आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, आंसर सी। अच्छा चार्ल्स जोड़ ने ना सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था, याद रखना जड़ ना सबकी सामान्य होती है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, यदि पहले सीखे हुए कार्य को बाधा पहुंचा रहा है नए सीखे हुए तो क्या कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव है, ठीक, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ऋणात्मक होता है क्या कुछ ना सीखना, सीखने में बाधा, सीखने में जो बाधा होता है ना वही ऋणात्मक होता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, तो सीखने का स्थानांतरण क्या होगा, जब सीखी हुई वस्तु को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके, आंसर होगा सी। अच्छा चलो मैं एक दो चीज़ एक्स्ट्रा बताता जाता हूँ, 1972 में बी के पासी ने क्रिएटिविटी का टेस्ट दिया था, और ये ही एक ऐसा टेस्ट था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में था, ये पूछा जाता है कौन सा टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, वो बी के पासी का था, ये याद रख लेना, ठीक है। और वैसे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी में काम किसका है, गाल्टन का, किसका है, गाल्टन का, सॉरी सबसे ज़्यादा है टोरेंस का, सबसे ज़्यादा टोरेंस, गाल्टन ने तो व्यक्तिक भिन्नता बताई है, टोरेंस याद रखना सबसे ज़्यादा काम टोरेंस ने किया है, टिन डिब्बों की असाधारण उपयोग बताया उन्होंने, ठीक है, ये सब याद रखना, थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया करूँगा, आंसर है सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, जब पूर्व में अधिगम में नई स्थितियों में सीखना बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, अगर फायदा पहुँचाता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव, अगर नुकसान पहुँचाता तो नेगेटिव, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, हाँ नहीं करता, सही है। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता, तो देखो इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, ये तीनों तो करता है, मगर थकान तो ये तो क्या नकारात्मक करेगी प्रभाव डाले, ये नहीं करेगी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण का सहायक नहीं है, तो कौन सा सहायक नहीं है, देखो अर्थपूर्ण सामान्य, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता, मानसिक अनुशासन, सही बात है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, विशुद्धियाँ, विशुद्धता, शुद्ध नहीं है, इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। समरूप तत्वों का सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, ये सब किसके दिया हुआ है, ये सब वेक्टर सिद्धांत, आप लोग बताना समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। और अच्छा चलो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था जोड़ ने, समरूप तत्वों का दिया था थोंडाइक ने, तलरूप वाले से हटा देना है, सेम नहीं है। अब मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था गेस्टाल्ट ने, ये याद रखना, और इसमें ये वाला नहीं आता, ठीक है, आंसर याद रख लेना बी। अच्छा अभ्यास के नियम द्वारा क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कोई कि अभ्यास के नियम द्वारा क्या होता है, तो कुशलता का विकास होता है, ठीक है, किसका विकास होता है, कुशलता का विकास। जो मैं आपको CABD बताता हूँ ना, CABD सिद्धांत दिया थोंडाइक ने, उसकी फुल फॉर्म लिख लो आज, ये सी फॉर होती है कॉम्प्लीशन, ए फॉर होती है अरिथमेटिक, बी फॉर होती है वोकैबुलरी, डी फॉर डायरेक्शन, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट आंसर बता दिया मैंने आपको, बी है इसका। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो ये क्या है, ये शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, लंबवत होगा, ठीक है, एक ऊपर, एक लेवल ऊपर सीख रहा है ना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार नहीं, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य होता है, दूरवर्ती कोई नहीं होता, दूरवर्ती नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। अच्छा एक चीज़ और याद रख, गेस्टाल्टवाद ने ना तीन प्रकार की अपने और बताएं, तीन चीज़ें बताई, ए टाइप, बी टाइप और बाई टाइप, ए टाइप, बी टाइप, बाई टाइप, ये तीन चीज़ें और बताई, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है, तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है बताओ, व्यवहार में परिवर्तन होना ही है। अच्छा अगर कोई कहे कि जो स्किनर ने दिया था ना ऑपरेंट कंडीशन, वो किस चीज़ पर जोर देता है, तो वो स्व अध्ययन पर जोर देता है, स्व अध्ययन पर, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और उन्होंने ही, स्किनर ने ही क्या किया था, मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे वो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय जाता है उन्हें, ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अधिगम कैसा होता है, पाठ्यपुस्तक अध्ययन पर आता है तो गलत, तो वो सक्रिय होता है, ज्ञान निर्माण सक्रिय होता है, और ये बातें कौन कहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट में तीन नाम याद रखो, एक तो संज्ञानात्मक, एक याद रखो संज्ञानात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट, इससे कौन आता है, प्याजे, एक रखो क्या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट,
संज्ञानात्मक को ये भी कह सकते हो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो ये प्याजे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है बायगोत्स्की, और संरचनात्मक निर्मितवाद कौन है, संरचनात्मक निर्मितवाद है किसका बताओ, ये है आपके ब्रूनर का, याद रखना। अच्छा संरचनावाद लेके कौन आया था, लेके बुंट आया था संरचनावाद, ये चीज़ को आप कंफ्यूज मत कर दें, 1879 में लेके आया था बुंट, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया ए। नेक्स्ट नेक्स्ट, बच्चों के सीखने में कठिनाई कब होगी, जब वो क्या करेंगे सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, जैसे आज कुछ बता दूँ कल कुछ बता दूँ, क्योंकि गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद कहता है एक साथ बताई जाए सूचना, ठीक है। गेस्टाल्टवाद 1912 में कौन लेके आया था, बर्दीमर लेके आया था, जिसने पूर्ति उपागम दिया था, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा बिग फाइव पर्सनैलिटी स्केल ये किसने दिए, ये दिए ओशियन, ओशियन ने दिए, और किसने दिए, पॉल कोस्टा ने दिए, एंड पॉल कोस्टा, ये दो चीज़ याद रखना। अब ये पूछे इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट तो अरविंदो घोष ने दिया था। आज ये बताना, ये मैं अलग तरीके से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग फैक्ट बता सकूँ, एक क्वेश्चन खत्म हो गया इसके साथ चार पांच और क्वेश्चन बता दूँ, तो ये तरीका सही जा रहा है या मतलब उतना मज़ा नहीं आ पा रहा है। एक और है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसे क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसका है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है उसका है, आसवेल ने दिया था, आंसर है बी। नेक्स्ट, सीखने विकास की प्रक्रिया 1 करोड़ बार पूछा गया वुडवर्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, आंसर है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, गेट्स याद रट लेना इसे। अच्छा स्किनर की एक अच्छी चीज़ और बता दूँ, इन्होंने चेनिंग और शेपिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखो अब एक क्वेश्चन है कि SBI ने 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद 50,000 हो गया भुगतान किया, तो 10 पंजे कितना हो गया 50, 50 की कीमत कितनी 5,000, तो 100 की कीमत कितनी होगी 50/100 कर दो, तो इससे ये गया 100 और 00, ये आएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा 100 00, ये होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो, एक बाइक और एक कार सुबह एक ही स्थान से चलते हैं, कितने बजे, 9 बजे और 10 बजे, बाइक की स्पीड 50 है, कार की 75 है, बाइक 9 बजे चल रही है तो 1 घंटे में कितनी दूर चलेगी, जब तक कार चालू होगी तो 50 किलोमीटर, कार 1 घंटे में कितना तेज चल सकती है 25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में मिल जाएंगे ना ये, तो कार कितने बजे चलती है 10, तो मिल जाएंगे कितने बजे 12 बजे, ना समझ में आए तो पूछ लेना, ये टाइम 9 बजे से नहीं लगाया जाएगा 10 बजे से लगाया जाएगा, क्योंकि ये तो 1 घंटा चल ली बाइक, 1 घंटे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा, अब ये एक्स्ट्रा को कवर कौन करेगा, एक्स्ट्रा को कवर करेगा ये कार 25 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से जाके, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्लैकबेरी की शर्ट ने 20% की छूट की घोषणा की, कुमार दुकान पर गया वह 400 रुपये की छूट चाहता है, ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होगी, एक शर्ट की कीमत 500 है, 500 पर 20% की छूट कितनी होगी, 100 रुपये हो जाएगी, 20% कितना होगा 100 रुपये हो जाएगा इसका, अब इसे 400 रुपये की बचत करनी तो मतलब कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, 4 शर्ट खरीदनी पड़ेंगी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो, अब ये वाला है क्वेश्चन, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, देखो नीचे तो कोष्टक दे रखा है, ऊपर कोष्टक नहीं दे रखा है, बोर्ड मास रूल लगेगा इसमें, देखो पहले तो नीचे तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, नीचे क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो 12 में से 4 गए तो कितना बचा 8, 28 - 3/2 × 8, और ऊपर क्या होगा, ऊपर ब्रैकेट तो है नहीं, सीधे ऑफ होगा, 2 × 12 ये होगा, ठीक है याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 + 6 = 18 - 4, 2 से 4 बार कट जाएगा, 3 × 12, 28 में से 12 गए तो कितना बचा, 28 में से 12 गए तो 12 × 24 = 25 × 27 = 28, तो कितना बच गया 16 बच गया, तो ऊपर कितना बच गया 18 × 36, 32/16, तो 16 × 32, बस इसमें क्या याद रखना है, यहाँ पहले नीचे ब्रैकेट खुलेगा, ऊपर में सीधे गुणा होगा पहले ऑफ वाला, ठीक है आंसर है बी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति क्या करता है 35% भोजन पर 55% कपड़ों पर खर्च कर दिया, शेष 400 रुपये बचे, 50, 30, 80 और 10, 90% खर्च कर दिया, 10% शेष बचा वो है 400, तो 100% कितना होगा, तो इधर भी 1 जीरो लगा दो, इधर 1 जीरो लगा दो, हो गया 100%, आंसर हो जाएगा आपका 4,000। नेक्स्ट, अगर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ गोले का क्या होता है, गोले का होता है 4/4, ये तो मैं क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² 4πr², अब इसका बताना है आधा, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, इसका आधा होगा 2/2 कर देना तो 2πr², अब 2 × π हो गया 22/7, और त्रिज्या कितनी 28 × 28, तो देखो 7 × 28, ठीक है इस तरीके से याद रखो।
अब देखो, 4 दूनी 8, 8 गुणा 22 गुणा 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6, 8 छिंग 48, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, ये चीज़ याद रखना, इसमें यूनिट डिजिट से करना, ऐसा मत करना पूरा गुणा करने बैठ जाओ, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो 20%, 25% और 40% की तीन छूट किसके बराबर, 20% क्या होता है, 5 से 4, कैसे 20, ऐसे सीख लो, 20 पंजे 100, 1/5, तो 5 पे 1 की छूट थी 4। 25% क्या होगा, 4 से 3। 40% क्या होगा, 20% जब 5 से 4 था तो 40% क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा 2/5, ठीक है, तो 5 से 2 की छूट तो फिर 3, तो 4 से 4 कट गया, तो 25 9 के बराबर हो गया। 25 पे 9 की छूट कितनी होगी बताओ, गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36, कहीं हमने गलती कर दी, दोबारा कर लेते हैं। 20% की छूट, 20 पंजे 100, तो 5 से 4, 25% की छूट, 25 चौका 100, 4 से 3, 40%, 40% निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 10 पे 4 की छूट, 10 पे 4 की छूट मतलब कितना हो गया, 6, ठीक है, 4 से 4 कट गया, 50, और ये आ गया 18, 50 18, फिर भी हमारा 36 आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसे, करते इसी तरीके से, ठीक है, और कल बता दूंगा अगर कोई डाउट आ रहा होगा इसमें, वैसे थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना दोस्तों से, ठीक है, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।